सो सब तो पहले असं सारे दर्शकों का हार्दिक निघा स्वागत करते हैं। तो उस तो बाद असी खुशी ले रहे हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी अज्ज दे प्रोग्राम दे विच पेश करन दी। ते कैप्टन अमरिंदर सिंह जो कि इस वेले पंजाब कांग्रेस इकाई के प्रधान भी हैं, सब तो पहला प्रोग्राम हार्दिक निघा स्वागत करते हैं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत मेहरबानी। सो असी सब तो पहला गल जे इतों शुरू कर लीए, क्योंकि श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दी चोणां 18 सितंबर नूं होण जा रही ने, भावें कि कांग्रेस पार्टी इस चोण तों बाहर रहने का फैसला कर चुकी है, पर फिर भी वड्डी तादाद दे विच जो सिख कम्यूनिटी है ये कांग्रेस पार्टी दे नाल भी जुड़ी हुई है। सो सिखां नूं कांग्रेस पार्टी तों अलग जे असी लाइन दे बारे सोचिए तो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल जुड़े हुए कांग्रेसी सिख वह की करना चाहिए? वो तो अपने वोट जिथे जिक्रद पागे, अगर किसी पाबंदी नहीं कि जो कांग्रेस के नाल संबंधित ने, जैसे मैं जरूर बादल के खिलाफ वोट पाऊँगा और जो जिथे भी मौका मिले, और ऐसे ही सिख अपनी अपने जिथे ठीक समझते हैं उन्होंने वोट पाएंगे। लेकिन साडा तो सिर्फ इन्ना है कि कांग्रेस पार्टी एज अ पार्टी हिंदुस्तान पद्धर किसी धार्मिक इलेक्शन हिस्सा नहीं लेंदी, बट ये तो नहीं कोई रुकावट कि कोई प्राइवेट जाके अपना जो मेरी भावना है कि मैं जाके उसे पावा, कोई नहीं रोक सकता। कि तुम समझते हो एक पास कहते हो कि गुरुद्वारे लुट के खा गए अकाली, तो दूसरे पास जो कांग्रेस कोई भूमिका ही नहीं निभा सकती कि गुरुद्वारे से काबज ना रह, तो फिर किवें रुक सकती है? तुहाडे कहने गल है कि यह हुण सिखां नूं मन बनाउणा पऊ। मैं ये आंकड़े थोड़े सामने रखन लग्या सी, इह चक के मैं लिया कि देखो हुण पॉपुलेशन कितनी है अपनी, पंजाब की 2,70,00,000 63% सिख, 1,76,00,000 सिख ने इतने, जिदे विचों श्रोमणी कमेटी कल वास्ते सिर्फ 52,00,000 सिख ने। टोटल सिख इलैक्टेड इज 1,06,00,000, उस 52,00,000 कट दो, 54,00,000 सिखा कढ ही दिता इन्होंने, जेडे सहजधारी सिख ने या होर ने जेडे समझते से कि साढ़े वास्ते वोट नहीं पाते, उन्होंने मैंबर ही नहीं बना रहे बादली और मकड़ वगैरह, सो दिस उन्होंने तो करता पासे। और दूजा छड़ता इन्होंने 52,00,000, 52,00,000 चो 40% तो ज़्यादा कदे भी वोटिंग पैटर्न नहीं होया SGPC का। सो यू सेड 20,00,000 सिख वोट पाउणगे, उहदे विचों इन्हां वास्ते किन्ने पाउणगे बेशक जित जाण, पता नहीं इन्हां दी, इह तां हुण इलैक्शन चल रही है, और दूजे किन्ने लैणगे। अंत विच इह आउंदा कि 10-12,00,000 सिख ही सिर्फ वोट पाउंदे ने श्रोमणी कमेटी वास्ते 1,06,000 दे विचों। कैप्टन साहब, जिवें तुसीं फिगर स्टैटिस्टिकली दस्सिया कि इन्ने सिख जिहड़े कि वोट ही नहीं पा सकते, सो उन्हां दा बदलाव की आ, उन्हां नूं कोई कंपीटीशन देण वास्ते कंपैरेटिवली कंपीट करने वास्ते तुहाडे वल्लों की उपराले? देखो तरीका एको है कि दिस बिजनेस हैज़ टू बी स्ट्रक डाउन। ये जरा तुसी कहो कि सिर्फ 52,00,000 सिख वोट पा सकते हैं और केसाधारी ने, वाई नॉट, अगर तुसी एक सिख परिवार तो, सिख परिवार तो क्यों नहीं वोट पा सकते? गुरुद्वारों में आप जाने, गुरुद्वारों में आप मानते, गुरुओं को आप मानते हैं, एंड ये कौन होंगे ने कहने कि तुसी नहीं पा सकते वोट जी? लेकिन उसके बराबर कोई होर पार्टी होंद विच बराबर लैण च कोई उपराला नहीं किया जा रहा, वो तो हुण बाकी जथेबंदियों करना पऊ। हुण अनफॉर्चुनेटली लास्ट मिनट उठते हैं, सरना साहब ने, सर रविंदर सिंह ने, होर जिहड़ी जथेबंदियां ने, इन्हां नूं श्रोमणी कमेटी वास्ते इकट्ठे होना चाहिए इन एडवांस, और अपने अपनी होंद इन्हां नूं बनाउणी चाहीदी है। इट इज़ द सिख पॉलिटी जिहनूं कहिंदे आ, सिख पोलीटिकल फैक्शन जिहनूं कहिंदे आ आपां, कांग्रेस उहदे विच नहीं आउंदी, उन्हां नूं इह करना पऊ। इत्थों तक ठीक है कि परमजीत सिंह सरना होणा दी तुसीं गल कीती है, पंथक मोर्चा, सो कांग्रेस असिधे तौर ते इन्हां दी मदद करेगी तां हो सकदा? नहीं नहीं, पोलीटिकली असीं बिल्कुल नहीं करांगे। आई मीन ये नहीं होगा कि श्रोमणी कमेटी, आई मीन जैसे रविंदर सिंह जी नाल रहिंदे ने या सरना साहब या कोई होर अपने कैंडीडेट ला लैन, और मैं कोई हल्लाशेरी कांग्रेस नूं करूँ कि इन्हां नूं दिताओ, ये नहीं हो सकेगा। कांग्रेस एज एन ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल हिस्सा नहीं पाएगी, इंडिविजुअल्स यस असीं पावांगे। और कैप्टन साहब तुसीं, और मैं तुहानूं ये दस दिंदा, कई ने अपने जिथे जिथे ज़िलों के कोई कैंडीडेट खड़े ने, वो पहले ही लगे होने लोग जिहड़े, आई कांट स्टॉप देम, ये तो अपने अपने धार्मिक इलेक्शन है, गुरुद्वारे की इलेक्शन, जिन्हें लगना है लगन। इंडिविजुअल तौर पर तुहाडा की मैसेज होएगा उन्हां लोकां लई जिहड़े कि कोई ना कोई श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इनवॉल्व होना चाहते हैं लेकिन उन्हां दी बैकग्राउंड कांग्रेसी है? वो तो कोई गल नहीं, कांग्रेस ही जो मर्जी होए, जरा सिखा दे विच कांग्रेस ने, सिखा दे विच BJP दे विच भी ने, सी अकाली दल दे विच भी ने, कांग्रेस दे विच भी ने, ये तो नहीं कि इन्होंने कोई सिखा का कोई ठेका लिता हुआ अकालिया का, दिस इज साड़ी कौम है, सियासी उन्होंने सोच जो भी हो सकती है, और जरूर वो निकल के अपने अपने इलाके के जेड़े भी उन्होंने कैंडीडेट ने जिन्हों ठीक समझते उन्होंने वोटा पाने। और मैं दस दिना बादलों तो कोई पाँगा नहीं, ना मकड़ा पाए, यदा लुट के सारे गुरुद्वार लै गए ने। दिस इज़ टोटल फ्रॉड जिहड़ा अज किया होया पंजाब दे विच, कि तुसी जिहड़े बंदे उन्हां दे खिलाफ़ वोट पा सकते से उन्होंने पहले ही कटता, तुसी 54,00,000 सिख वोट पा रहे हैं,
और 54 लाख ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ। ਅੱਛਾ ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਦੇਰ ਹੈਵ ਬੀਨ ਆਈ ਮੀਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਮਹਾਨ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਰਹੀ ਹੈ। 1920 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ, 1922 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਰਹੇ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੁੰਜੀਆਂ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੋਰਚਾ, ਕਿੰਨੇ ਮੋਰਚੇ ਲਾਏ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮਹੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਮਹੰਤ ਨੇ, ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੱਕੜ ਮਹੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ 2 ਟਰਮ ਜਾਂ 3 ਟਰਮ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਔਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਭੁਗਤਾ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਆਪ ਹੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਏਜੰਟ ਹੈ ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਆਈ ਮੀਨ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਚੱਲੂਗੀ? ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਬਦਲ ਕੀ ਹੈ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ? ਖੜੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਦੇਖੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਹੁਣ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਭਾਰ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਸ ਰੋਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਵੋਟ 'ਚ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਜਦ ਸਮੇਂ ਆਊਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਾਫੀ ਇਹ ਸਾਰੇ। ਓਨਲੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਅਡਵਾਂਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਆਪਣੇ ਸੀਟਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨੋ ਵੇ ਆਫ ਡੂਇੰਗ ਇਟ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਪਊ ਕਿ ਅਗਰ ਸੱਚੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ। ਅਕਸਰ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਤੱਕ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿ SGPC ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਨਸ਼ੇ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਾ ਲਓ ਅਤੇ ਦਿਓ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਹੀ ਲੁਟੇਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੁੱਟਦੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗੋ ਭਰੇ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਰਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਬਰਾਈਬਰੀ ਔਰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦਿਓ, ਸ਼ਰਾਬ ਦਿਓ, ਭੁੱਕੀ ਦਿਓ, ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਲਓ। ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਜ ਫੂਲਕੇ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੀ ਨਾ ਦਿਓ, ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਨਣਗੇ? ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਨਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਵੈਸੇ ਇਨ ਜਨਰਲ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਕੀ ਚੀਜ਼? ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਪਰ ਕਦੇ ਕਦੇ MLA ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੰਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਣ ਜਾਣ, ਟ੍ਰੇਡਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਣ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾਮ, ਉਹ ਬਰਨਾਲੇ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਤਾਂ 2 ਵਾਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਭੁੱਕੀ ਵੇਚਦੇ ਹੋਏ, MLA ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਐਜ਼ ਐਨ MLA ਇੱਕ ਔਠੇਮੈਨ ਪੁੱਠੇਮੈਨ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕੁਛ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਡਰਸ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਟ੍ਰੇਡਰ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਪਫੁਲੀ ਫੈਬਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕੀ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਏਜੰਡਾ ਇੱਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਲੈਟ ਅਸ ਸੀ ਫਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਸਾਲ ਦੇਖ ਲਏ, ਔਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਜੋ ਸਰਵੇਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਟੋਟਲ ਨਿਰਪੱਖ ਜੋ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਵੇਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਨੀਲਸਨ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਫਾਇਆ। ਆਈ ਮੀਨ 20% ਵੋਟ ਟੂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, 8% BJP ਔਰ 68% ਅਕਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੋਜ਼ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੋ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਪਸ ਆਏ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਵੇਅਰ ਸਾਨੂੰ ਗੇਨ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਤਾਈਂ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਹੀ ਹੈ, ਵੀ ਡਿਡ ਆ ਬੈਸਟ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, 5 ਸਾਲ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਕੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ ਉਰੇ? ਬੇੜਾ ਕਰਤਾ ਸਾਡੀ ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਆਰ ਇਨ ਟੋਟਲ ਡੈਟ, ਡੈਟ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਟ ਹੈ, ਯੂ ਕਾਂਟ ਸਰਵਿਸ ਇਟ। 80,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਟੇਟ ਡੈਟ,
68,000 ਦਾ ਪੀ ਐੱਸ ਯੂ ਡੈਟ ਗਰੰਟੀਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ, 24,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਬੋਰਡ ਡੈਟ ਗਰੰਟੀਡ ਬਾਈ ਦ ਸਟੇਟ, 1,70,000 ਕਰੋੜ ਔਰ 19,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ, ਡੈਟ ਸਰਵਿਸਿੰਗ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ? ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਡੀ ਸੀ 2007 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ, ਉਦੋਂ ਕਿੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ? 2,000 ਕਰੋੜ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, 2,000 ਕਰੋੜ ਜਦ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ 'ਚ, ਐਂਡ ਆਲ ਡੈਟ ਕਰਜ਼ਾ ਬੜਾ ਚੱਲ। ਸੋ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ? ਵਾਟ ਵਿਲ ਬੀ ਦ ਸੋਰਸਿਸ ਟੂ ਵੈਲ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਟਾਈਟਨ ਯੋਰ ਬੈਲਟਸ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਇਨ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼, ਰਿਸੋਰਸ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਦੇਖੋ, what is the growth of Punjab today? Growth of Punjab is about 7.6%. National growth is 8.2%. Haanji. You are to see national growth to bhi thalle hai. Haanji. To see aaj per capita income ch, you are the last in the state, in the country at 5.6%, which is lower than Jharkhand, Bihar, Odisha, tribal area, sara Chhattisgarh to piche apa khade hai. Haanji. That is, us state to sanu uthna pao. ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਯੂ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਵੈਰੀ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਯੂ ਹੈਵ ਨੋ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਬੇਸ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ। ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ, ਔਰ ਨਵੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਸੋਚੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਮੱਧਿਆ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਆਫਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੀ ਹੈਵ ਨੋ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਸੋਰਸ ਬੇਸਡ ਕੋਈ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਮੇਕ ਪੋਲਿਸੀਜ਼, ਵੀਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੇ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਚੇਂਜ ਆਫ ਲੈਂਡ ਯੂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲਈਏ, ਇਹ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ, ਇਟਸ ਬਿਟਵੀਨ ਯੂ ਐਂਡ ਮੀ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮ ਇਨ ਟੂ ਇਟ? ਐਂਡ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਉਹ ਅਫੋਰਡ ਕਰ ਪਾਏਗੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲੈਂਡ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੱਚ ਐਕਸਪੈਂਸਿਵ ਦੈਨ ਅਦਰ ਪਲੇਸਿਸ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਏਕੜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਇੱਥੇ 40-50 lakh ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਸਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਗੇ? ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਆਰ ਪੀਪਲ, ਮੈਂ ਫੋਰ ਇੰਸਟੈਂਸ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਮਿਸਾਲ ਦੱਸਦਾ, ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਓ ਇਟਸ ਗੋਨ ਟੂ ਸਮ ਅਦਰ ਕੰਪਨੀ, ਗੋਇਤਸੇ ਮਾਲੇ ਸੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਜਿਹਦੀ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਲੈਬਰੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਆਇਆ ਸੀ ਪਟਿਆਲੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਆਫ ਇਟ, ਹੀ ਸੇਜ਼ ਯੋਰ ਪਰਫੋਰਮੈਂਸ ਇਨ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਿੰਨੇ ਪਿਸਟਨ ਔਰ ਪਿਸਟਨ ਰਿੰਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਪਰ ਮੈਨ ਜੋ ਐਸਟੀਮੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਮੋਰ ਦੈਨ ਇਨ ਜਰਮਨੀ। Now that means that the capabilities, acha unhone ida ek branch laya si Bangalore ch ji, and Bangalore was not giving same performance as Punjab. So ida matlab ke sade bandeyan de vich himmat hai, sade bande bahut taiyar baithe ne kam karan vaste, it they need an opportunity, ta opportunity dena sada kam hai. Bacche bahut pad rahe han itthon di education, je kar apan schools nu vekhiye, private institution nu vekhiye, ohna di ginti bahut vadh gayi, bacche bahut pad rahe han, lekin oh sare is vele berozgar han, unna vaste ki aprala hoega? How you will settle down to those? Out of 2,77,000 crore the population, we are 47 lakh unemployed Punjab de vich. ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈਟ ਮੀ ਟੈਲ ਯੂ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਟ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਅ ਟੂ ਪਾਰਟੀ ਗਰੋਥ, ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਤਾਂ ਐਫਲੂਐਂਟ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਐਫਲੂਐਂਟ ਨੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਜੋ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੱਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗਰੀਬ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਤਾਂ 400-300 ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਵਲ ਬਹੁਤ ਪੂਅਰ ਹੈ, ਐਂਡ ਉਸ ਨੂੰ ਜਦ ਤਾਈਂ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਗਾਹ ਦੇ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਉੱਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ 'ਚ ਉੱਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਇਕਨੋਮਿਸਟ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ, ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਦਾ ਇਹ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਮਿਲੇਗੀ? ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਇਟ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬ੍ਰਿੰਗ ਲੋਟ ਆਫ ਰਿਸੋਰਸ ਇਨ ਟੂ ਇਟ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ ਟੂ ਬਿਲਡ ਦਿਸ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਟੂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਅ ਵਿਨਿੰਗ ਕਾਡਰ ਕਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਤਾਲੀਮ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਦੇਈਏ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਫੋਰ ਆਲ ਦੀਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਨਸ਼ੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। 73% ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਅ UNDP ਰਿਪੋਰਟ ਹੈਜ਼ ਟ੍ਰਾਈਡ ਡਰੱਗਸ,
ਇਹ ਉਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਇਸ 'ਚ। ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ ਬਿਜਲੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਸੰਭਾਵੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ? ਵੈਲ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਬੜੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਅੱਜ ਪੀਕ ਟਾਈਮ ਲੋਡ ਹੈ 10,000 ਟਨ, 10,000 ਮੈਗਾਵਾਟਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰਿਕੁਆਇਰ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਅਬਾਊਟ 6,300 ਮੈਗਾਵਾਟਸ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲ। ਅਸੀਂ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਮੈਂ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਰੋਮ ਦੀ ਨੇਬਰਿੰਗ ਸਟੇਟਸ ਵਗੈਰਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕੀਤੀ ਬਿਜਲੀ। ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਟਾਈਮ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋਟ ਨੋ, ਵੀ ਵਿਲ ਹੈਵ ਟੂ ਸੀ ਹਾਊ ਵੀ ਵਿਲ ਡੂ ਇਟ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਰਫਲੀ ਅਬਾਊਟ 4 ਤਾਂ ਮੈਂ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੇ ਸੀ 2006 'ਚ, ਜੀ ਵੀ ਕੇ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਔਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ, ਇੱਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਮਾਨਸਾ, ਐਂ ਕਰਕੇ ਕਈ ਸਾਡੀ ਅਪਰੂਵਲ ਸੀ। ਮਾਨਸਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਸੀ, ਮਾਨਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ, ਇੰਡੀਆ ਬੁਲਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, ਔਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਂਟਰਸ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਸਟਮ। ਅਸੀਂ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਸ ਲੋਡ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਵੀ ਬਰੋਡ ਦੋਜ਼ ਇਨ ਬਾਈ ਗਲੋਬਲ ਟੈਂਡਰਸ। ਇਹ ਹੁਣ MOU ਰੂਟ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਿਠਾ ਕੇ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਕਾਗਜ਼ ਦਸਖਤ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਓ ਉੱਥੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਮਾਨਸੇ 'ਚ ਕਿਉਂ ਲੈਣ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ 880 ਏਕਰ ਐਟ 23 ਲੈਕਸ, ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਗੋਇੰਗ ਰੇਟ ਇਜ਼ ਓਵਰ 40 ਲੈਕਸ। ਔਰ ਮਾਨਸਾ ਸਭ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਗਰੀਬ 'ਚ ਕਿਸੇ ਕੋਲ 2 ਵਿਘੇ, ਕੋਈ 3 ਵਿਘੇ ਜ਼ਮੀਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ ਇੰਨਾ ਦੇ ਕੇ ਪੈਸਾ, ਉਹਦਾ 2-4 ਸਾਲ 'ਚ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਕੰਮ, ਫਿਰ ਕੈਸੇ ਚੱਲੂ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਕੈਸੇ ਚੱਲੇਗੀ? ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਰੋਂਗ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੇ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਐਨ ਅਗਰੀਮੈਂਟ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਫਾਰਮਰਸ ਐਂਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਇਹ ਬਾਦਲ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖੋ, ਨਹੀਂ ਅੱਧਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੱਲ ਕਰੋਗੇ? ਓਨਲੀ ਵੇ ਇਜ਼, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਟ ਕਰਕੇ ਪੈਸਾ ਮਾਰਕੀਟ ਰੇਟ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ। ਵੀ ਵਿਲ ਨੋਟ ਲੈਟ ਯੂ ਕਮ। ਲੈਂਟਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਮਨ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ MOU ਰੂਟ 'ਤੇ ਆਏ ਅਸੀਂ ਕੱਢਾਂਗੇ ਬਾਹਰ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਲ ਬ੍ਰਿੰਗ ਦਮ ਬੈਕ ਇਨ ਗਲੋਬਲ ਰੂਟ, ਅਗਰ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ 'ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਜ਼ਾ ਬਿਆਨ? ਬਦਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਡੰਡਾ ਫੇਰੂੰਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਇਹ ਵਾਟ ਡੂ ਯੂ ਮੀਨ ਕਿ 30,000 ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬਿਕੋਜ਼ ਦੇ ਆਰ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾ ਨਾਲ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਓ? ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਨੇ ਕੁੜਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਤਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ, ਇਹ ਮਰਾਮਪੁਰੇ ਫੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ 8-9 ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਟਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਕਾਲੀ MLA ਹੋਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਟੰਗੂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਅਕਾਲੀ ਬੜੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀਆਂ 'ਤੇ ਗਲਤ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ? ਇੱਕ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੇਸ? 30,000 ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਨਾ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ 8 ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ FIR ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ। ਮਿਸਟਰ ਨਵੀਨ ਚਾਵਲਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਪੰਜਾਬ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਰੱਖੋਗੇ, ਇਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡੰਡਾ ਫੇਰੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋ, ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਛੱਟੀ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁੱਟੂੰਗਾ। ਡੰਡਾ ਫੇਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਵਿਲ ਫਾਰਮ ਅ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਵੀ ਵਿਲ ਗੋ ਟੂ ਦੈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਐਵਰੀ ਬੋਡੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ, ਐਂਡ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇਖੇਗਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਐਂਡ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਲੀਗਲ ਐਕਸ਼ਨ ਅਗੇਂਸਟ ਦੋਸ ਪੀਪਲ। ਇਟ ਡਸਨਟ ਮੀਨ ਦੈਟ ਆਈ ਵਿਲ ਟੇਕ ਦੈਟ ਡੰਡਾ ਆਊਟ ਐਂਡ ਸਟਾਰਟ ਕੁੱਟੋਇੰਗ। ਨਹੀਂ, ਬਿਕਾਜ਼ ਦ ਵੇ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਕੇਮ ਆਊਟ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਘੁਟਾਲਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਵਿਚਾਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਇਟ ਅਨਡਿਕਲੇਅਰਡ ਐਸੈਟਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ? ਸਿਟੀ ਸੈਂਟਰ ਇਜ਼ ਅ ਕੇਸ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ ਵੈਦਰ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸਪੀਕ, ਬਿਕੋਜ਼ ਦੋਨੋਂ ਸਬਜੂਡਿਸ ਮੈਟਰ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦਾ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੂਗਾ ਵਾਟ ਦ ਮੈਟਰ ਇਜ਼। ਫੈਕਟ ਇਜ਼, ਇਟ ਵਾਜ਼ ਅ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਿਟਵੀਨ ਮਾਈ ਮਿਨਿਸਟਰ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਕਟਰੀ, ਐਂਡ ਜਦ ਕੇਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਵਿਚ ਨੋਰਮਲੀ ਹੈਪਨਸ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੈਕਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਮੈਂ ਸਾਡੇ AG ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ। AG ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਰਾਈਟ, ਮੈਂ ਐਂਡੋਰਸ ਕਰਤੀ, ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ, ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਛਵੀ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੈਕਟ ਕਰੇਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਲਓ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏ ਨੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੋਲਸ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਨੇਮ। ਫੈਕਟ ਇਜ਼, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਫਾਈਨੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਦੋਂ?
जो मैं उठ के क्या असैम्बली च कि भाई ये जरा कुछ कह रहा है फाइनेंस मिनिस्टर गलत है, हाले जो उत्थे हो रहा है दिल्ली के नैगोसीएशन चलिया ने मुकिया नहीं नैगोसीएशन अग्रीमेंट नहीं कोई हुई पंजाब के नाल कि तुम अपना कर्जा माफ कर रहे जी। ये फिर उठ के मैं उठ के जब क्या कि हाँ कैप्टन साहब ठीक है बस ये तो पार्टी पलट गई और फिर कटता बा बस दैट इज़ द एटीट्यूड। सो उन्हें फैक्ट इज़ कि जिते तक मनप्रीत है इज़ अ वैल मीनिंग परसन, समय है उसनों हाले तक जथेबंदी बनाए और अगे चले, आ जथेबंदी नहीं जी जल जाता है महीने वास्ते सारे टुट के अकालिया तुर पैन, दिस इज नो जथेबंदी, ही हैव टू कम एंड मेक प्रॉपर इस्टैबलिशमेंट। समय है उसका, ही इज़ ओनली 40 ईयर ओल्ड समथिंग, हाल तो बड़ा टाइम है वो को, पर अपना अपने आराम नाल काम करे एंड शायद बन सके की पता है। भाई अक्सर कहा जाता है कि विदेशों के जो खाड़कू हैं उन्होंने तुम नरम रवैया अपनाते हो। आई एम नॉट नरम रवैया खाड़कू वास्ते कदे भी नहीं मेरा रहा, मैं आई एम टोटली बिलीव दैट साडा मुल्क जिहड़ा है साडी कॉन्स्टिट्यूशन जो है दैट हैज़ टू बी लुक्ड एट बाय एवरीबॉडी एंड एक्सेप्टेड बाय एवरीबॉडी। जिहड़ी गल मैं कही है कि जिहड़े ब्लैकलिस्ट थे वो गलत से एंड आई दे हैव टू बी अलाउड बैक। जब मैं चीफ मिनिस्टर सी मैं वो लिस्ट लेके गया सी और थोड़े कैनेडा कोई लेडी हाई कमिश्नर सी मैं ना भूल गया उहदा, उहनूं मैं दित्ती कि दिस देयर आर मेरे पुलिस दे इंटेलिजेंस के मुताबिक दीज दीज पीपल आर नॉट इनवॉल्वड इन एनीथिंग एंड और दीज पीपल आर शुड बी नाउ रिलीज। उन्होंने उत्तों फिर उसको टेकअप करके भेजा और हुण वो प्रोसैस चालू होया। अनफॉर्चुनेट गवर्नमेंट वास्ते टाइम लंबा हुंदा है। दूसरी गल मैं कही है दविंदर सिंह भुल्लर के बारे, ना भुल्लर हैज़ बीन इन जेल फॉर 17 ईयर्स, 8 साल डैथ रो के उपर, हिंदुस्तान 14 साल उम्र कैद मनी जाती है और तुम जो बंद ने 17 साल करती उन्होंने फिर तुम हैंग करना चाहते हो, दिस इज आई एम डिसएग्रीमेंट, दिस अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन अगेंस्ट लॉ लैंड, दैट इज़ वाई एम सिंग इट, नॉट बिकॉज कि उन्हें बॉम्ब चलाया कुछ जरा अगर इफ द सुप्रीम कोर्ट से लाइफ इंप्रिजनमेंट इज नैचुरल लाइफ लैट हिम स्टे इन जेल, वो तो नहीं मैं वास्ते मैनू कोई है नहीं कोई थिंग, बट ये जो कानून के खिलाफ तुम जा रहे हो कि जरा बंदा 17 साल का बैठा है उस तो बाद किसी हैंग करना चाहते हो, दैट इज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दावा कि बीते इन्होंने अपनी इस सरकार के विकास की हनेरी चलाई है तो इस मुद्दे की अगलिया विधानसभा उन्होंने चोणा लड़निया ने, कांग्रेस का कौन प्रमुख होता है? मैं थोड़ा ये पहला दस दिया कितों विकास लैणगे, विकास तो कोई है ही नहीं, सारे तो थोड़िया सड़कों टुटिया जा, देर इज़ नो वाटर, इन्हों को पैसा किड़ा आया। जदों मैं चीफ मिनिस्टर सी मैं 5,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक तो लिता सी, 3,000 रूरल वाटर ड्रिंकिंग स्कीम्स, कांग्रेस के पार्ट कोल वी हैव ऑलरेडी सैटअप वर्किंग कमिटीज़, असी बहुत कमिटीज़ बिठाइया ने, इकोनमी से बिठाइया ने, इंडस्ट्री से बिठाइया ने, एग्रीकल्चर से बिठाइया ने, एजुकेशन से, प्राइमरी हेल्थ सैकेंडरी हेल्थ से सारे कुछ असी बिठाइया ने कि वो जो आनगिया रिपोर्ट्स कि कैसे असं इन्होंने फॉरवर्ड कर सकते हैं, वी विल दैन ब्रिंग इट टू दी इन टू आर मैनीफेस्टो और पंजाब के लोग। कैप्टन साहब बहुत वड्डी गिनती विच लोकी पंजाब दे सारे संसार खिल रहे हैं, एनआरआई जिन्होंने आपां कह दिंदे हैं, उन्हां दे बहुत सारे अजिहे मसले हैं जिस तरह उन्हां दी जमीन जायदादां ते उन्हां दे ही भैण भाइयां वल्लों कब्जे कर लैणे, घर नूं ना छड्डना, जां फिर जदों इत्थे आउंदे हन उन्हां नूं अजिहे थ्रैट मिलदे हन कि उह डरदे ही वापस चले जांदे हन। सो जेकर तुहाडी सरकार आउंदी आ सो व्हाट वुड यू बी डूइंग फॉर देम? आई टुक अप लास्ट टाइम विद द चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब कि जैसे मिलिट्रीज नूं स्पैशल कोर्ट्स बनाउण दी इक सोच है कि जिहड़ा फौजी 60 दिन दी छुट्टी आउंदा है, कोई बैठा नागालैंड, कोई सियाचिन ग्लेशियर, कोई किते किते, तुसी डे टू डे हेयरिंग करके इस नूं मुकाओ। सेम आई सैड देयर शुड बी एनआरआई स्पेशल कोर्ट्स एंड दैट मेरे टाइम हाई कोर्ट के चल रही थी, हुण इन्होंने पता नहीं परस्यू किया नहीं परस्यू किया, हुण जब असीं गवर्नमेंट च वापस जावांगे वी विल नो वेयर वी आर, इस नूं टेकअप करांगे कि नंबर वन जिथे मुकदमे चल रहे हैं वी शुड डू डे टू डे, कोई नहीं आ सकता कैनेडा तो या अमेरिका तो यूरोप तो कि हर तरीक जो हर हफ्ते लगती है और कैसे आके उत्थे भुगते, तो वी वॉन्ट टू हैव डे टू डे हेयरिंग नंबर वन। नंबर टू पुलिस एक्ट्स इन अ प्रॉपर मैनर, मैनू एक बीबी ने मैनू याद है उन्हें टेलीफोन से मैंने सवाल पूछा कि वीर जी मैं आ सकती हूँ वापस पंजाब, मैं क्या थोड़ा कौन रोकने, कहते मैं 22 साल तो आना चाहती हूँ पर मैं पुलिस तो डरती हूँ, यू नो दिस इज़ द इंपैक्ट दैट इज़ क्रिएटेड दैट इज़ पुलिस दे आप ही जमीन दबी जाते हैं ना, असं बड़ी सख्ती ना निपटांगे, दैट आई कैन टेल यू। अच्छा ये भ्रिष्टाचार काबू नहीं आता बढ़ता जाता लोग बड़े तंग है हेठले पद्धर तक की तुम सोचते बारे भ्रिष्टाचार क्यों लगे? दिस इज़ ये सब तो वड्डी मुसीबत है। अज मैंने पूछा सी लोगों ने कि
टू जी का सी डबल्यू जी का की ये इंपैक्ट पंजाब है, मैं कह नथिंग बिकॉज पंजाब आर पीपल आर मोर कंसर्न विद हिमसेल्व्स। अज उन्होंने थाणिया करप्शन है, पटवारखाने कानून गो दे दफ्तर च, तहसीलदार के दफ्तर च, यू नेम इट कोऑपरेटिव महकमे सारे इतने पैसे लग जाते हैं। और जी डे टू डे डीलिंग ऑफ बेचारे गरीबों की उन्होंने नाल है, नॉट विद दिल्ली एंड सी डबल्यू जी या टू जी और फोर जी और जो कुछ है वो कोई कनैक्शन नहीं इन्हों का। सो इतने दिस इज़ अ वेरी मेजर थिंग। सिर्फ यही नहीं, करप्शन तो अलावा लॉ एंड ऑर्डर भी थोड़ा थले जा रहा है। अच्छा। मेरे पिछले चार साल और उन्होंने आ मौजूदा चार साल जो बजट सानू फिगर्स दिते से, देयर हैज बीन एन इंक्रीज ऑफ 65% इन क्राइम, पेटी क्राइम, चेन स्नैचिंग, बैग स्नैचिंग। एक कदों होंदा है जो आर्थिकता सूबे की थले जाती है, नैचुरली पेटी क्राइम कम्स अप एंड दैट इज़ व्हाई आई एम सेइंग वेयर इज़ द डेवलपमेंट। ये तो सब कुछ ही नैगेटिव से है। तुम नहीं समझते कि इस वेले सेंटर दे विच तुहाडी पार्टी की अगवाई वाली सरकार है, तो यह कहा जा रहा है कि सब तो भ्रिष्ट सरकार होगी, बड़े स्कैंडल आ गए, इहदा पंजाब की कांग्रेस पार्टी से कोई असर नहीं? और जिहड़े जिहड़े भ्रिष्ट सरकार है, जिहड़े बंदियां दा उह सीगा, उह तो सारे तो अंदर तिहार जेल च बैठे ने, और किने किते ने? साडी कंपनी गवर्नमेंट ने ही किते ने, जिन्ने चिर विरोध चाहे वो है उत्थे कलमाड़ी है या कोई बिजनेस वाले हैं कि जड़े जड़े भी हैं उत्थे बैठे ने। अच्छा कैप्टन साहब, मोस्टली तुसी लास्ट सरकार दे विच पिछली बार क्या है डिवर्सिफिकेशन दे विच, लेकिन उहदे लिए कोई मार्केट नहीं सी एस्टैब्लिश कीती गई, मार्केटिंग कोई भी नहीं, कोई कहे कि जी कणक छड्डो जी या झोना छड्डो जी और तुसी पिंडियां ला लो, दैट इज़ नॉट अ वे ऑफ डूइंग इट। इट हैज़ टू बी डन इन अ प्रॉपर मैनर। असी रिलायंस कोल गए जी, रिलायंस इनफैक्ट केम टू अस और उन्होंने कहा कि असी एक प्रोजेक्ट ला रहे हैं हिंदुस्तान च कॉल्ड फील्ड टू फॉर्क, ताकि मिडल मैन नू कट्टो, किसान नू ज़्यादा मिले और उत्थे कंज्यूमर घट रेट पर खरीदे जी। और असी 1,00,000 आउटलैट्स ला रहे हैं हिंदुस्तान च, असी चाहते हैं कि पंजाब शुड बी दी प्लेस जो सानू कॉन्ट्रीब्यूट करे मेजर चीज़ा। मैं क्या लाओ तुम प्रपोजल दो, साडा एग्रो इंडस्ट्री उन्होंने बैठिया एंड असी की किया, वी दे गिव अ प्रपोजल कि इन्ने पिंडा का एक हब हो, इन्ने सब हब, और मतलब कि उस हब के थ्रू देर विल बी एक्सटेंशन वर्क, देर विल बी सीड गिवन, देर विल बी नो हाउ जिस तरीके नाल करना है, और फिर खरीद उही हब करूगा और पेमेंट करूगा ऑन द स्पॉट, और उतों फिर ये लिफ्ट होकर साढ़े या चंडीगढ़ या अमृतसर तो हिंदुस्तान पद्धत से फ्लाई किया जाएगा जी। तकरीबन बहुत सोहना चल रहा सी। अच्छा असी ये किया कि पंचायत की शामलाट जमीन च लगू जी। और जो शामलाट जमीन के लोग देंदे ने अपनी जमीन ठेके थे, अगर वो ठेका 20,000 रुपए है तो 10% ज़्यादा देंगे, इट बी 2,200 एंड एस्केलेशन एवरी ईयर एंड 5 साल के वास्ते या 6 साल वास्ते असी एक की सी, इन्होंने रौला पाता अकालिया ने एंड वॉट ट्रांसपायर्ड कि एक इन्होंने आपस इन्होंने इन अंदरूनी थिंक टैंक ने यह सोचा कि अगर पेंडू इलाकों के कांग्रेस चल पे तो सीधा खत्म हो जाएंगे पंजाब। सो बिकॉज ऑफ पैटी पोलीटिकल गेम्स इन्होंने पंजाब की किसानी वास्ते एडा बड़ा प्रोजेक्ट खत्म करता। जब असी गए फिर इन्होंने मिस्टर मुकेश अंबानी को बुलाया कि सा तो गलती होगी साढ़े नाल करो, कहते नहीं थोड़े नाल असं कुछ नहीं करना, असं चले हैं ना। कैन यू इमेजिन वो 1,00,000 वो आउटलेट लगे ने पूरे हिंदुस्तान च, सारा उन्हों का प्रोडक्ट जा रहा है सारे सूबे चो बट नॉट फ्रॉम पंजाब, नुकसान कि हो। अच्छा ये पेट्रोल पंजाब के नाल लगते सारे सूबे सस्ता तो पंजाब च महंगा, वैट बहुत ज़्यादा, तुम कुछ कर सकते? इट कैन बी, इट इज़ अप टू द हैंड्स। जब मैं पिछली बार किया सी इट हैड गॉन अप, पंजाब का इंटरनेशनल प्राइस चली गई, पेट्रोलियम प्राइसिस हाई हो गए, जो असी वैट से एक सैस लाया सी या वैट बधाई सी असी घटाती, घटा के असी फिर जदों फिर प्राइस डाउन हो गए असी फिर लाती, लेकिन जदों पीक ते पहुँचता है दैट इज़ वेन गुड गवर्नेंस कम्स इन। उदों सुखबीर बादल नूं या प्रकाश सिंह बादल नूं कहना चाहता सी कि जिहड़ा साडा एक्स्ट्रा वैट है जो सैस लाया असी एजुकेशन वास्ते या किसी होर चीज़ वास्ते, असी कुछ महीनों वास्ते जब तक इंटरनेशनल प्राइस स्टेबलाइज नहीं होंगे असी खत्म कर रहे हैं। पंजाब सरकार तो यह कहती जी कि महंगाई को काबू करने लिए पंजाब सरकार बहुत कुछ नहीं कर सकती, सेंटर की सरकार का काम है, तुहाडे इस बारे की विचार कि चीज़ का कि सेंटर सरकार महंगाई घटा सकती है पंजाब सरकार ने? कैसे कह सकते हैं, थोड़ा ख्याल सब्जियां जिहड़े जिहड़ियां मूलियां या बाजार च आउंदियां ने या टमाटर आउंदे ने आलू आउंदे ने, सेंटर का कोई रोल है इहदे च? इह तां दिस इज़ इट्स द स्टेट गवर्नमेंट्स जॉब। सेंटर कर सकती है कणक नूं
झोने मेजर जो फूड ग्रेनस ने उन्होंने असर पैदा है। कॉटन का असर सेंटर का नहीं है, कॉटन का असर पैदा इंटरनेशनल प्राइसिस का, लेकिन नरमे का, लेकिन आ जोड़ा सा फूड प्राइस ऑन कणक पलसिस एंड एंड जोड़ा जोड़ा थोड़ा आटा चौल ने वो सेंटर का कंट्रोल है। रेस्ट सब सब कुछ हूँ अंडे अगर बढ़ जाए कोई सेंटर का, डॉक्टर मनमोहन सिंह अंडिया थले लेगा। साढ़े नाल प्रोग्राम के पंजाब के सबका मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह अज पेश हो रहे हैं। तो 2002 तो लैके 2007 तक इन्होंने पंजाब दे विच सरकार चलाई, कुछ एक अजिहे तुहानू चंगे काम अपने बेस्ट काम याद होण जिहड़े कि साडे दर्शकां नाल सांझे करना चाहो कि आह मैं 5 सालां च बहुत वधिया कीता सी। वैल इट इज़ नॉट जनरली एक चीज़ नहीं, तुसीं इत्थे लिंक कर सकते बेस अच्छे अच्छे गवर्नमेंट दी लॉ एंड ऑर्डर नूं कंट्रोल कीता। असीं इंश्योर कीता कि पावर लोगों नूं टाइम सिर मिले, 8 घंटे मैं गारंटी कीती सी कि खेतीबाड़ी वास्ते, और मेरा ख्याल 18 घंटे साडी रूरल सैक्टर नूं जांदी, फीडर्स नूं जांदी से। सो असीं मेनटेन किया राइट थ्रू, चाहे सानूं मैं भूटान तो बिजली खरीद के लिया अपार्ट फ्रॉम अदर इंडियन स्टेट्स, उतों लिया के असीं नैशनल ग्रिड के उपर कीती। सो वी हैव डन वैल इन दैट स्कोर। असी एग्रीकल्चर दे विच असी एक फसल रोड़न नहीं दिती मंडिया च, 10 दियां 10 फसलां उस दिन ही चक्किया जांदियां सी, उस दिन ही पेमेंट हुंदी सी। ये जथेदारा नाल तो मेरा ख्याल 10-10, 12-12 दिन कुछ नहीं हुंदा, उत्थे ही पई रहिंदी है, और झोना काला हो जांदा है, भा थले चले जांदा है, फिर ये बिकदियां ने, और बेचारा गरीब नुकसान। कारण की मेरा ख्याल इन्हां दे विच फीलिंग सी कि शायद अकाली कुछ आके कुछ होर कर देन, हुण जद कंपैरिजन हुंदी आ हुण फिर लोग साडे वल हो गए ने, ज़्यादा देख रहे हैं कि दिस इज नॉट के। और मेरे एक कारण मैं तुम दसा जो हो सकता सी, देखो वी हैव जो 46 सीटा साढ़े को आईया सी, 58 फॉर्म द गवर्नमेंट, 12 की घाट सी उस, मेरिया अर्बन सीट्स, एक फीलिंग चली गई अर्बन एरियाज से कि अमरिंदर सिंह ज़्यादा पेंडू इलाके काम कर रहे, विच इज़ नॉट ट्रू, बट परसैप्शन होंगी और परसैप्शन उत्थे चली गई। और 21 सीटा ने मेरी अर्बन, सिर्फ 2 असी जितते हैं, एक सोनी साहब जितते अमृतसर और मैं जितया पटियाले, बाकी सारा साफ 19 सीटा। अगर वो अर्बन सीटा सानू आ जाएंगी गवर्नमेंट बन जानी। कैप्टन साहब ये भी लोगों का कहना है कि कैप्टन साहब न जो उन्होंने चॉइस सी सेंटर के जिन्हों टिकट देनी चाहिए थी उन्होंने नहीं दी, करके बहुत ज्यादा कैंडीडेट वो हार गए। लेट मी टेल यू जिते थाए उदों सी पोजिशन, हाँ जी, कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि चीफ मिनिस्टर या कांग्रेस प्रेजिडेंट प्रदेश का 100% सीटा अपने आप ले जाए। कितने जगमीत बराड़ बैठा है, कितने राजेंद्र कौर भट्ठल बैठे ने, कितने डुल्लो बैठा सी, कितने कोई होर बैठा सी, इन्हों जी 5 दे दो, इन्हों 7 दे दो, इन्हों 8 दे दो, और दिस इज़ वॉट हैपन अनफॉर्चुनेटली। सो जिहड़ियां साड़ियां सीटा गई उन्हां विचों मेरा ख्याल 19 सीटा दित्तियां सी, बाहर एक सीट जीते से साडा मोहाली वाला बलबीर सिद्धू, बाकी 18 दी 18 सीटा। सो इसे कारण करके इस बार की यकीनन बनाया जाएगा कि सेंट्रल जो भी उत्थे पार्टी है वो तुहाडी सुने ते राइट तुहानू कैंडीडेट्स नू जिहड़ी आ टिकट मिले। देखो पिछली बार मिसेस गांधी दी ये भी सोच सी कि तुसी सोचो नवे बंदे लियाओ, ठीक, मैं सोचा हूँ जो बंदे चल रहे हैं उन्होंने ही देखो, उन्होंने अपने ग्रुप ग्राफ बनाए हुए हैं और उत्थे चल रहा काम, लेकिन डेफिनेटली है कि नवे असी फेसिस लियावांगे। मिसेस गांधी चाहते हैं कि यंग लेडीज़ और यंग मैन दोनों आन ये तो हम सू भालने पैणगे उतों जी, जे नवा एक चेहरा असी देिए लोगों के कोल। असी वैन जो इलेक्शन कमेटी की मीटिंग होएगी, कांग्रेस प्रेजिडेंट उसनों चेयर करेंगे। आई थिंक दिस टाइम जिस तरीके माहौल बन रहा देश के वो ज़्यादा जड़िया सीटा इट विल बी गिवन ऑन ऑन जे मैरिट तो है, मैरिट तो अलावा जो बंदे जीत सकते हैं, विनेबिलिटी विनेबिलिटी ढांचा बनाया कांग्रेस का काफ़ी सारा ये समझा गया कि जो बोल सकते सन आगू सुखपाल खहरा जाए उन्होंने नौकरी लगाने की कोशिश की। नहीं नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं है। सुखबीर सुखपाल खहरा साडे विधानसभा की कमेटी विधानसभा की ऑर्गेनाइजेशन है, ही इज़ वेरी मच देयर। ऐतकी है कि कारण की है, देखो पिछली बार मेरे कोल 136 कांग्रेस के अहदेदार से, एंड हुण इन्होंने जो नवी कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुई है आई कैन ओनली हैव 17,
हूँ मैं बाकी हूँ जो बंदे सीनियर ने उन्होंने रखूँगा, मैं जो जूनियर ने सुखपाल रिलेटिवली जूनियर उस नहीं मैं लै सकता। अच्छा। मतलब यह नहीं कोई उन्होंने खिलाफ कुछ है, लेकिन इन ही इज इन द इन द कांग्रेस लैजिस्लेचर पार्टी की ऑर्गनाइजेशन है। प्रकाश सिंह जी बादल ये कह रहे हैं कि जे तुम नशे छुड़ाने की गल करनी तो पहले आप नशे छोड़ो, ये बारे की कहना कहना नशा सदा प्रकाश सिंह बादल होने कहते विस्की की गल। मैं तो प्रकाश सिंह बादल नाल मेरे नाल पीना हों की बोली जाता है झूठना बोलिया कर जो असं कट्ठे होंगे से अकाली दल के आज पता नहीं क्या सैक्टर 9 सैक्टर वगैरह का घर है, मैं कई बार वे दिन रात वगैरह गया रहा तो झूठना बोलिया करें। कैप्टन साहब देखीदा कि न्यूज़ जोड़ा मीडिया है वो बहुत कवरेज घट कर रहा है, कहना भाव कि केबल सिस्टम इतों का जोड़ा है एक कैप्चर किया हुआ है, सो तुहाड़ी की पॉलिसी होगी फ्यूचर? टोटल फ्रीडम ऑफ द प्रेस ये जरा सुखबीर ने हावी किया हो ट्रांसपोर्टर ला ला के उत्थे लुधियाने के अभी सारा चक देना इस काम एंड इट विल बी फ्रीडम ऑफ द प्रेस, इट्स अ राइट ऑफ एवरी परसन टू से वॉट दे वॉन्ट एंड हेयर वॉट दे वॉन्ट। अगर थोड़े चैनल में कोई पसंद नहीं करेगा नहीं देखेगा जी, जो पसंद करेंगे वो देखेंगे। सो दैट इज फ्रीडम केबल से चलता जो नो नॉट एट ऑल ओनली परसन हु यूज टू गिव अस सपोर्ट एंड मेरे दोस्त से वॉज पंजाब टुडे द चैनल, नथिंग टू डू विद केबल। केबल असी कदे भी इंटरफेयर नहीं किया जिन्हें लाना सी लाउन। अच्छा इस वास्ते पंजाब टुडे करके कहते होने हो और उन्होंने आदि सारे अकाली ने कट के बाहर मारिया। खास करके कैप्टन साहब तुहाडा कोई साडे दर्शकां नूं मैसेज? नहीं मैं ये कह सकता कि देखो बंदे बंदे की सोच होंगी है, अगर तुम जे थोड़े दर्शक ने अगर सोचते हैं कि कांग्रेस पार्टी के नाल कुछ पंजाब दे विच बन सकता है तो मैं फिर आस करांगा कि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं जाके सारे नूं मैं उत्थे मिला। मैं टेलीविजन और थोड़े टेलीफोन के राही मैं करता रहा है, अगर समझते हैं तो मैं उन्होंने अपील करांगा कि अपने साथियों उरे दसन कोई कहे गल, दैट इज़ ऑल आई होप एंड जी कोई प्रॉब्लम ने सू दस ताकि वी कैन डील विद दम। ये जो पंजाब का यूथ बाहर जाने की आड़ विच काल विच पढ़ाई छड़ता जा रहा, सो पिंड बड़ी स्थिति गंभीर है कि बाहर जाने मुंडे ने पढ़ने की कोई लोड़ नहीं, सो इस सिलसिले तुसीं कोई करो फ्यूचर के कंपेन चला सकती जागृति पैदा? देखो ये तो मैं हूँ सारे मिले हैं बहुत जगह, दुबई छूनी असी 17 मुंडे छुड़ाए ने उत्थे जाके बस लड़ाई करके लड़ाइया च ही पै जाते हैं, उत्थे कुछ कमाते हैं नहीं, बेसिक मिनिमम पेमेंट देंगे ने जिदे नाल मसा रोटी खाता है बंदा, कुछ बचाता है नहीं, तो इस एदा कोई फायदा नहीं है। बट अनफॉर्चुनेट जैसे मैं तुम्हें दसिया जदों ताई ये बच्चों वास्ते कोई आमदन नहीं तुसी बनाओगे उरे दे विल ऑलवेज लुक टू द फ्यूचर कि इतने कुछ है नहीं, फिर देखेंगे बाद जाने की सोचेंगे की करोगे तुसी। वी हैव टू मेक देखो हाई वैल्यू कैश क्रॉप लियानिया पैनगियां थोनू, यू विल हैव टू मेक इंडस्ट्री जिदे विच तुसी उन्हां दे वास्ते नौकरियां बना सकते हो, ओनली होर तो और साधन किहड़े ने या एग्रीकल्चर साडा पंजाब एग्रीकल्चर है उत्थे यू हैव टू मेक हाई वैल्यू कैश क्रॉप आमदन बधाओ एकड़ चो और दूजे पासे जिथे इंडस्ट्री है इंडस्ट्री लगाओ ताकि बच्चे उत्थे लग सकन। अच्छा ये हांसी बुटाना का मसला पंजाब के पानिया की गल, ये हांसी बुटाना का मसला तुसी किवें लिख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं इट्स इन द सुप्रीम कोर्ट एट द मोमेंट, ये लिंक होया विद द SOIL इशू। SOIL इशू मेरे टेन्योर असी रद्द करता सी टर्मीनेशन ऑफ अग्रीमेंट एक्ट पास किया पार्लीमेंट दे विच प्रेजिडेंट ने राष्ट्रपति जी ने उसनू ओदी रेफरेंस की हुई है सुप्रीम कोर्ट, लेट अस सी सुप्रीम कोर्ट की कहिंदा हुण सब। जदों ताईं यह फैसला नहीं हुंदा पानी का लॉजिक दसो हरियाणे की कि हरियाणे का जाके उत्थे कोई नहर बनाए, जब फैसला करो सुप्रीम कोर्ट के हरियाणे नू किन्ना पानी जाना है फिर ही तुसीं बना सकदे हो नहर, हुण तुसीं 10 क्यूसैक की बना दो और सुप्रीम कोर्ट तुहानू 2 क्यूसैक दे फिर फायदा की है, या तुसी दो क्यूसैक की बना दो और थोनू सुप्रीम कोर्ट 10 क्यूसैक दे, उल्टा काम है तो बिल्कुल ये पहले ही बना देंगे नहर। अच्छा जे फ्यूचर दे विच तुसी भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री पंजाब दे हो हरियाणा च भी कांग्रेसी मुख्यमंत्री है दोनों मिल बैठ के नहीं हल कर सकते? जब असं आप ही प्यासे मरे हुए हैं साढ़े खेत सुख रहे हैं असं कैसे देवे पानी? पर जो तुम पोलीटिकल पार्टी एको दे ही लीडर हो, देखो जदों कांग्रेस प्रेजिडेंट ने कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1976 पहला यह दिता सी अवार्ड ऑन वॉटर्स हरियाणे नूं पंजाब नूं सारे नूं, उदों दरबारा सिंह उरे सी भजन लाल हरियाणे सी माथुर राजस्थान सी तिन्नों राजस्थान दे तिन्नों चीफ मिनिस्टर साडे और होया कि अग्रीमेंट हो गई अकाली दल दे मोर्चा दा तां दिस इज नॉट गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम। कैप्टन साहब पंजाब दे जिहड़े दरिया हन निक्की निक्कियां नहरां रह गईआं ते उह वी पोल्यूटेड वाटर है, जिन्ना भी शहरां दा गंद मंद है इंडस्ट्री दा जो भी कैमिकल्स हन
उन्होंने सुट्टे जा रहे हैं। तो वो हूँ जेकर आप बैल्ट मालवे की वेखिए बहुत सारे लोग कैंसर के मरीज हैं, बहुत सारे नहीं, रोज़ एक ट्रेन जाती है बठिंडे तो बीकानेर कॉल द कैंसर एक्सप्रैस, डेली एक ट्रेन ए लैवल है उसका। और कारण यह है कि थोड़ा जड़ा दमना अपना सतलुज का गंद है, अपने लुधियाने का गंद क्रोम इंडस्ट्री का वह पानी जाता है, और चमड़े की इंडस्ट्री का वो जाता है ब्यास के जलंधर तो, और हरीके कट्ठे होकर फिर नहर निकलदियाँ ने उतों, और उत्थे बठिंडे दे विच और सदन पंजाब मानसा वगैरह थले का पानी खारा है, लोग पीते ही पानी ने एंड एक ए, और वो फिर कॉटन बेल्ट बीती जाता है उत्थे जेडे नरमे की स्प्रेयां करते हैं वह भी उसी पानी च, और उही बेचारे पीते हैं, और उस करके है दिस। सो नंबर वन मेजर पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स हरियाणे उत्थे लुधियाना एंड इन जलंधर सिटी बेस्ड, ये नहीं कि छोटे जे पोल्यूशन कंट्रोल लाते सारे सिटी का जोड़ा गंद जा रहा उस दे विच दी जावे। और दूसरा बायोटेक्नोलॉजी का कॉटन असी लिया से पहला 29-29 स्प्रेयां होंदिया सी ओपन पॉलीनेटेड वरायटीज़ नरमे दियाँ, हूँ साढ़े बीटी लियाउण तो बाद ये 3 स्प्रेयां ते आ गई है। और नॉट ओनली दैट 7 लाख ढेरी सी जदों मैं चीफ मिनिस्टर बनया, जदों मैं छड्डिया 29 लाख ढेरी नरमा होने लग गया सी। सो बाय ब्रिंगिंग दिस चेंजेस उत्थे इकनोमिक आप गल कर रहे ना कि डाइवर्सिफिकेशन ये मिसाल है एक डाइवर्सिफिकेशन की, जिते लोग नरमे तो भुखे मर रहे से और जहरा पीते से हूँ उत्थे बड़िया बड़िया उत्थे काफ़ी रकम कमाउन लग गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वर्ल्ड बैंक इस काम वास्ते पैसे बथेरा दिंदा है, पर कोई उत्थे ध्यान तो होना चाहिए कि असीं करवाई साडे लीडरां ते बड़ा इल्जाम लगता कि अपने धियां पुत्तरां रिश्तेदारां नूं अगे लियांदे आ, ये कोई राजनीतिक मुद्दा है वैसे? ये तो डेफिनेटली लियांदे ने, एंड यही मैंने कल मैं यूनिवर्सिटी पटियाले गया सी 3000 बच्चे मिले और उन्होंने मैंने कहा कि जी साडा कोई पोलीटिकल कनैक्शन नहीं लेकिन असं सियासत में आना चाहते हैं, तो मैं उन्होंने कहा बेटा जरा जिला आना चाहते आओ। आखिरकार मेरे NSUI ने किया गोविंद खटरा ने, और गोविंद खटरा की कोई कोई पोलीटिकल फैमिली तो नहीं, लेकिन जो राहुल जी हूँ करा रहे हैं कि जिन्हें खड़ना है खड़न स्टूडेंट्स के विचों, और वो जित गया उस तरीके, तो मैं कहा हियर इज एन ऑपरचुनिटी, इसी तरीके तुम भी आओ। पर जो तुम अपने बेटे को भी टिकट दवाई तो पत्नी इट हैपन्स, इट हैपन्स, अच्छा यह होंगे, इट इज़ रोंग, आई एग्री इट इज़ रोंग कि तुम सिर्फ फैमिली पोलीटिकल फैमिलीज या अपने फैमिलीज़ में बधाई जान और दूजे बेचारे जो बनना चाहते हैं उन्होंने ऑपरचुनिटी ना मिले। यही मैं तुम दस रहा कि सोनिया जी चाहते हैं ऐतकी कि न्यू फेसिस न्यू यंगस्टर्स न्यू वीमेन एंड बॉयज ऑन इस दिस। सो कोई आइडिया यही है, हाँ जी, कोई विधि चेंज की जाएगी कि जो किसी ने टिकट लैनी है उस तो पहले नॉमीनेशन हो अपने मैंबर बनाउन, उन्होंने इन बिटवीन इलैक्शन होलैक्शन तो बाद जो जितया उन्होंने टिकट दी जाए। दिस इज द वे, हाँ हूँ यूथ कांग्रेस की जी इलैक्शन चल रही ने या NSUI दी हो गई टोटली फ्री एंड फेयर, वोटा बनाओ और इलेक्शन लड़ो और जितो, ये सारे मुंडिया ने वोटा बनाई। लीडर के मुंडे रवनीत बिट्टू हाँ जी, वो भी लीडर का ही अगली औलाद है जी। नहीं दैट इज ओके, दैट इज तुम पुरानी गल कर रहे हो, मैं हूँ दस रहा जो राहुल जी जब तो आए ने इंटायरली ओपन है इस वेले यूथ कांग्रेस की जो भी इलेक्शन होएगी इट विल बी टोटली ओपन टू एनी वन। NSUI की जो इलेक्शन हुई थी टोटली ओपन से, और गोविंद खट्टर तां जिते ही बिलोंग्स टू नो पोलीटिकल फैमिली वो ही जित गया, और ऐतकी देख रहे हैं कौन जित है। NRIs दी इन्वेस्टमेंट पंजाब दे विच आकर्षित करने लिए कुछ विशेष इंतजाम कर रहे हैं? देखो ये पंजाब उन्हां दा भी है जिन्ना साडा, लेकिन कोई एफर्ट नहीं करता इत्थे लिया के कुछ लाउण दा। गल्लां होंदियां ने NRI सभाज दी मीटिंगां होंदियां ने, बट आई हैव सीन दिस हैपनिंग। देखो मैं हुण 4 साल पहला प्रधान रहा, 5 साल चीफ मिनिस्टर, और हुण 1 साल हो गया और मैनू प्रधान मैं फिर हो रहा है, तो 10 साल तो मैं लगातार देख रहा हूँ किनिया मीटिंगा हुई मैं भी उन्हें कहा, पर नोबडी इज इन्वेस्टेड। अच्छा उन्होंने जैसे मैं तुम्हें दसिया फीलिंग है कि पुलिस इतने खराब कर दी है पंजाब कानून यह जे ने, तो कानून दसन सन लेट सम NRI जेड़े जेड़े चाहवान ने उन्होंने दसन मैनू कि आह पॉलिसी बनाओ तुम असं आने को तैयार है। थैंक यू जी कैप्टन साहब, बहुत थैंक यू जी, वेलकम वेलकम। असं अपने दर्शकों को दसना चाहते हैं कि बड़ी खुली वार्तालाप हुई सबका मुख्यमंत्री पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत धन्यवाद थोड़ा, थैंक यू।